हिंगनघाट नगर परिषद द्वारा अधिसूचना न देते हुए किए गए जनता कर्फ्यू और 15 दिन के लॉकडाउन का असंगठित व्यावसायिक संगठन की ओर से हिंगनघाट के पत्रकार परिषद लेकर जाहिर निषेध किया गया। तब छोटे बड़े मध्यम प्रकार के व्यावसायिकों ने भूखमरी का संकट निम्ना हुआ है। हिंगनघाट शहर में कोरोना के चलते स्वास्थ्य संबंधी त्रुटियां नजर आ रही है। कोरोना बाधितों को समय पर उपचार नहीं हो रहा, कोरोना के रोगी बढ़ रहे हैं। इसी के चलते नगर परिषद द्वारा सही मोहर न होने वाली जाहिर सूचना पत्रक व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित की गई, जिससे नागरिकों में संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई। छोटे छोटे दुकानदारों और जनता का नुकसान हो रहा है। हिंगनघाट नगर परिषद ने कर्मचारियों, मुख्याधिकारी इनके आदेश के रहते हुए लाउडस्पीकर से बंद का आह्वान किया, जिससे व्यापारी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। पत्रकार परिषद में एक सवाल यह भी उठाया गया कि रोटरी क्लब के माध्यम से इस असंवैधानिक बंद को जाहिर किया गया। ऐसे समय में संभ्रम फैलाने वाले लोगों को निषेध किया जाता है और जल्द से जल्द इन्हें बंद कर समाप्त कर संभ्रम फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पत्रकार परिषद में हुई। इस बंद के बारे में नगर परिषद मुख्याधिकारी अनिल जगताप से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। इन बीच न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि नोड़कर की रिपोर्ट। क्या हुआ था वो बताइए। जैसे ही मैंने ये व्हाट्सएप पे देखा तो मैं संबंधित अधिकारियों को फोन लगा के पूछा कि सर ये क्या है। तो इससे संबंधित जो भी अधिकारी थे, क्योंकि मैं नगर परिषद से काफ़ी लोग हूँ, माजी उत्पादक की काफ़ी लोगों से मैं अटैच में रहता हूँ, तो उन्होंने बोला इसके बारे में हमें कोई माहिती नहीं। उसके बाद मैं एक ज्ञापन तैयार किया और ज्ञापन तैयार करके माननीय मुख्याधिकारी साहब को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के उनको पूछा कि सर रविवार का दिन 6 तारीख, क्योंकि 5 तारीख का वो ज्ञापन था, उस पर नगर परिषद हिंगनघाट टिका था, इसलिए मुझे मुख्याधिकारी के नाम से बनाना जरूरी था, क्योंकि नीचे किसी की कोई भी अथॉराइज साइन नहीं थी। तो मैंने ज्ञापन तैयार किया, वो ज्ञापन लेकर मुझे सीओ साहब से मिलना था, लेकिन रविवार का दिन था 6 तारीख, और मुझे उसी दिन देना जरूरी था, क्योंकि 7 तारीख से उन्होंने बंद बताया था 9 दिन का। और काफ़ी छोटे वर्ग के व्यापारी ये मेरे टच में है, तो मैंने उन्होंने सबके पास में गया, उनकी 50 लोगों की सही लिया कि हमारे से पूछा नहीं गया भैया, और 9 दिन हमारा माल पड़ा है, फ्रूट पड़ा है, सब्जी पड़ी है, कोई वेल्डिंग वाला है भैया हमारा, उसको घर की व्यवस्था नहीं है। इन सब की व्यथा सुन के मैंने ज्ञापन तैयार किया, उनकी सही लिया और मुख्याधिकारी साहब को फ़ोन किया। तो मुख्याधिकारी साहब बोले मैं आज आपसे मिलूंगा नहीं, आज छुट्टी का दिन है, मुझसे कल मिलिए। मैं बोला सर मैं आपके घर के बाहर आके आपको सिर्फ दे देता हूँ, बहुत अर्जेंट है, ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने मेरा कहा नहीं माना। मैंने माननीय माजी अध्यक्ष श्री सूरज भाई जी मुंजवार इनको फ़ोन लगाया, भैया मेरी बात मुख्याधिकारी ने नहीं माना, शायद आपकी बात मान ले और वो ज्ञापन ले ले रहे। लेकिन फिर तुरंत में ही थोड़ी देर बाद माननीय अध्यक्ष माजी मुंजवार जी का फोन आया कि बोले नहीं, ये उन्होंने बोला कि आज नहीं मैं कर ही लूँगा। फिर मैंने खंडाई साहब ने यहाँ पे SDO साहब इनको फ़ोन लगाया, काफ़ी नान उकर के बाद उन्होंने बोला कि आप अकेले आइए। तो बोला सर मैं अकेले आता हूँ और आपको सिर्फ ज्ञापन ले लीजिए सर। मैं उनके पास गया, उन्होंने लिया ज्ञापन लिया, वो शालीनता से मुझसे बात की। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया सर ये जो निकाला है, तो बोले ये हमने निकाला है, हमने ये बिल्कुल नहीं निकाला है, कुछ आपके व्यापारी आए थे, वो राजपूत है, कोई बोत्रा है, रोटरी क्या है, तो यही लोग है कुछ, तो भी कोई गांव के करता था, बीच में से कोई गणपति बेचे थे इन्होंने, कुम्हार लोगों का नुकसान किया, उसके बाद में कुछ यारे गरीब लोग उनको ले जाके फिर 500-500 रुपये लेके इन्होंने कन्या स्कूल में बिठाया, फिर उन लोगों का नुकसान हुआ। फिर अभी गोकुल धाम पे बैठे थे तो वहाँ गणपति के बहाने से उनका खोद खाद करके उनकी दुकानें उठा दिए। क्या कर रहे हैं ये गाँव के करता रहता बने हुए, इनकी इच्छा है कि गाँव बंद रहे, और इनके ही वजह से आज एक गाँव बंद है ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने कोशिश किया तो SDO साहब ने बोले कि हमने कोई निकाले, ये आए थे व्यापारी, लोगों ने बोला है कि सबकी सहमति है, इसलिए हम ये 9 दिन का इन्होंने अपने स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये पत्र निकाला है, हमारा इस पत्र से कोई लेन देना नहीं। फिर मैंने मेरे से उन्होंने ज्ञापन ले लिया, लेने के बाद मैंने कल सभी दुकानदारों को बोला कि स्वेच्छा से बंद है, आपकी इच्छा होंगी मैं घुमा पूरे गाँव में जो छोटे दुकानदार है, बड़े लोगों को बोला मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, मैं छोटे लोगों के साथ में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अखरपक चालू है और रेडीमेड और कपड़े की दुकानों के धंधे खत्म है, और एक एक दुकान में आप खुद तफ्तीश कीजिए पत्रकार साहब, एक एक दुकान के अंदर में 60-60 और 80-80 लोग काम कर रहे हैं, जिनके रोज महीने में 2-2 हजार रुपये महीने से काम कर रहे हैं, उनके उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम उनके पगार नहीं देंगे 10 दिन के, रो रहे हैं। अभी नगर परिषद के कुंटे पे खड़े सुभाष चौक पे चलिए आप हमारे साथ में भी, सबके सब लोग खड़े वहां,
सिर्फ इसलिए रो रहे हैं कि उनका पगार कौन देगा। तो पुलिस गाड़ी घूम रही है, गुड्डू शर्मा कहाँ है, गुड्डू शर्मा कहाँ है, मुझे सुभाष चौक पे मिले। बोला चलो, मैं पुलिस स्टेशन गया, पीआई साहब का खुद का फोन आया, मैं उनके ऑफिस के सामने खड़ा था, आधे घंटे बाद आऊँगा। आधे घंटे बाद फिर मैं चले गया उनके पास में। मैं बोला साहब बोलिए, मेरे साथ में मानकर जी थे और हरसकर जी थे और काफ़ी पत्रकार लोग थे वहाँ पे पीछे बैठे, उनके सामने उन्होंने अपने हमको दो घंटे समझाया कि ये चीज़ है, ये मैं कर रहा हूँ, कोई अधिकार नहीं है, मैं कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ और ऐसी मेरी इच्छा है कि कोविड फैल रहा है। लेकिन सर मेरा उनको भी बोलना है, सभी अधिकारी को बोलना है, जिलाधिकारी साहब को बोलना है कि आप उनका मत सोचिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने 15-15 हज़ार रोज के हिसाब से रुपए 2 लाख बचा लिए बड़े बड़े लोगों ने। इन छोटे लोगों का सोचिए, एक जने ने कल 200 कट्टे उसके पास आलू थे, उसने अकोला भेजा, 1 लाख रुपए का माल था, 60 हज़ार रुपये मिलकर 40 हज़ार रुपये नुकसान हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये आप उठे सूटे लगा देंगे, और ये कोई करते ये करता रहता है रोटरी वाले, ये अपने घर में बैठे करोड़पति लोग हैं, इन्होंने 7 पुस्तक इनकी बैठ के खा सकती है, ये पोतरा कोई इनका कोई व्यापार है? कोई व्यापार है इनका? तो अभी आपका क्या निर्णय होगा, क्या फैसला होगा आगे? मेरा मैं तो सवेरे भी सभी लोगों को बोल के आया, जिनकी इच्छा चालू है, क्योंकि थानेदार साहब का रात को बोला है, उन्होंने बोला है कि मेरा इसमें कोई नहीं है, हमारा तो सिर्फ इच्छा है कि कोविड-19 के लिए तो हम भी सरकारें कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम अब किसी को बंद नहीं कराएंगे, हम किसी को कोई हमारा कोई आक्षेप नहीं है, जिसको चालू रखना है चालू रखो, ऐसा थानेदार साहब ने रात को मेरे को मोबाइल पर 10:30 बजे बोला, और उन्होंने बहुत नम्रता से बोला, और मैंने बोला सर आपका सब सरकारें करेंगे, लेकिन छोटे लोग जैसे जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है, तो इसमें आपकी और आपके संगठन की क्या सोच राय है? मेरे संगठन की तो यही राय है कि जो इनंगट के गिने चुने लोगों ने और रोटरी क्लब के माध्यम से जो बंद इनंगट पुलिस स्टेशन के सहकार्य से किया गया है, ये अंग्रेजों की रणनीति है। ये अंग्रेज एक गरीबों की भूखमरी, इनको त्रास देना, इनका मुक्तापी करना करके, इनको बेरोजगार के मार मारना, ये सब हिंगनगढ़ में चल रहा। इनको इनके इस कार्य को हिंगनगढ़ के पुलिस स्टेशन का सहकार्य मिल रहा, इसके कारण वो आगे चल के बढ़ रहे। ये कभी भी हम लोग सहन नहीं कर सकते, क्योंकि गिने चुने पहले 22 मार्च से छोटे मोटे व्यावसायिक अपनी मार सहन कर रहे, बेरोजगारी की कगार पे है, और उसमें लॉकडाउन केंद्र सरकार ने खोलते हुए भी, और हिंगनगढ़ के ये असंगठित संगठन रोटरी क्लब के माध्यम से जो बंद किया गया है वो हमें मानने नहीं है। ये बंद एक प्रशासन के द्वारा तुरंत हटाना चाहिए। ये अगर हटाया गया नहीं तो ये छोटे मोटे व्यवसायिकों को लेकर मेरी संगठन रास्ते पे उतरेंगे, ऐसे में इनको एक चेतावनी देता हूँ। और जिस तरीके से ये सब प्रकरण हुआ है, और इसमें जो भी अधिकारी संबंधित अधिकारी, उनका कहना है कि हमारी ओर से लगाया नहीं गया कर्फ्यू, तो इसके पीछे किसका हाथ है, कौन कौन है, जिलाधिकारी का इसमें क्या रोल है? जिलाधिकारी साहब से मेरी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष की बात हुई, उनने साफ साफ कहा है कि मेरा कोई आदेश नहीं है, और इस कोरोना महामारी के इसमें कहर में वो जो अपना सही यानी टप्पा और शैक्षणिक से जो आदेश पारित करती है वही जिले में लागू होता है, अन्यथा कोई आदेश को ग्राह्य धरा नहीं जाता। तो जिस तरीके का एक तो वायरल पोस्ट जो व्हाट्सएप फेसबुक पे चल रही है हिंगनगढ़ को बंद को लेकर, तो वो क्या, उसमें कितनी सच्चाई और कहाँ से आया है वो? वो सच्चाई की जांच करने के लिए हम जिलाधिकारी साहब से निवेदन के रूप में उनको ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद में वो जो मैसेज फर्स्ट वायरल हुआ है, वो शासकीय कर्मचारी हो कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी में मांग करता हूँ। कल का जो बंद किया गया है उसके बारे में आपका क्या कहना? एक तो जो कल का बंद हुआ है वो असंवैधानिक बंद है। इसके बारे में जो व्हाट्सएप पे 5 तारीख को एक पत्रक डाला गया और हिंगनघाट नगर परिषद के माध्यम से एक गाड़ी घुमाई गई, उसमें बताया गया कि हिंगनघाट में दिनांक 7/9/2020 से तो 15/9/2020 तक टोटल 9 दिन का जनता कर्फ्यू, ऐसा लोगों को बता के गाड़ी घुमाया। हमने जब वो गाड़ी वालों को पूछा कि नगर परिषद के कर्मचारियों को कि भाई ये आप जो जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं और दुकानें बंद करने की जो बात कर रहे हैं,
तो उन्होंने गाड़ी रोकने के बाद तो बोले आपके पास जो पत्रक दिखा है वो पत्रक है, हम बंद कर रहे हैं। तो बोले कुछ व्यावसायिक लोगों की हमसे मुलाकात हो गई, उन्होंने ये रखा है। तो मैंने बोला ये भैया कौन से व्यावसायिक है, इस बारे में आपने एसडीएम से बातचीत की क्या? हाँ, इस बारे में एसडीएम से भैया ने बात की है, वो आपको सविस्तर में बताएंगे। और जो उस दिन जो मीटिंग हुआ था एसडीएम कार्यालय में, हाँ, तो उसमें हिंगनघाट शहर के कितने व्यापारी थे और किन लोगों का ये फैसला था कि हिंगनघाट शहर 15 तारीख तक बंद रहना चाहिए? उन्होंने हमें बताया उनकी जानकारी के माध्यम से कि भाई हिंगनघाट में कुछ व्यावसायिक है, जैसे रोटरी क्लब है, कुछ किराना व्यापारी है, उन लोगों ने हमारे पास आके बोला है कि हिंगनघाट में COVID-19 का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है और उस माध्यम से हमें हिंगनघाट को अनलॉक करना है। तो हमने बोला कि भाई ये कौन होते, किस व्यापारियों को पूछा और किसकी मीटिंग हुई? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी मीटिंग हो चुकी है और हमको अनलॉक करना है। तो पत्रक किसने निकाला? तो हिंगनघाट में हिंगनघाट नगर परिषद अंतर्गत नागरिकांना जाहिर सूचना अशा पद्धतिचे पत्रक उस दिन उन्होंने 5 तारीख को दोपहर के बाद निकाले। तो नगर परिषद के जब सीओ साहब से आपकी बात हुई तो उनका क्या कहना है? हाँ, सीओ साहब की इस बारे में ये बात हुई कि भैया मैंने ऐसा कोई भी मैंने पत्रक निकालने के लिए ना ही मैंने हमारे कर्मचारियों को बताया और ना ही कोविड के बारे में जो कर्मचारी है जैसे कि विशाल ब्राह्मणकर है या कोई है, इनको मैंने बताया नहीं है। तो आगे आपका और क्या? हमारा यही फैसला है कि भैया हिंगनघाट में कोई गिने चुने लोग, कोई हिंगनघाट के मालक नहीं है और वो हिंगनघाट में जो इनकी आतंक चल रहा है और कुछ कम्युनिटी के लोगों का और हमारे छोटे गरीब तबके के लोगों को कुचलने का उनका जो काम है, ये हमको इसके बाद असह्य है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये हमको नहीं चाहिए।